भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादें फरूख विकास साहब के साथ और मैं मन्ना डे हूँ। अदब से आदाब रफी साहब। रफी साहब के लाखों करोड़ों चाहने वालों में मैं एक अदना समुरीद हूँ। मेरा नाम कृष्ण मूर्ति है। रफी साहब के सच्चे किस्से कहानियों को आप तक पहुंचाता हूं मेरी YouTube आवाज फर्रुख विकास साहब की मदद से। आज का किस्सा है रफी साहब का पहला और आखिरी बंगाली कीर्तन। यह किस्सा मुझे खुद अजीम गुलुकार मन्ना डे साहब ने बताया था। एक्टर, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर केसी डे बड़े मशहूर थे अपने कीर्तन के लिए। 1942 में वो बंबई शिफ्ट हो गए। वो केसी डे साहब ही थे जिन्होंने प्रबोध चंद्र डे साहब को नाम दिया मन्ना डे। कृष्ण चंद्र डे यानी केसी डे साहब की उंगली पकड़कर ही मन्ना डे साहब मौसिकी की दुनिया में आए थे। शुरू शुरू के दौर में मन्ना डे साहब केसी डे साहब के म्यूजिक असिस्टेंट भी थे। एक बार की बात है, केसी डे साहब ने फिल्म जस्टिस के लिए एक कीर्तन कंपोज किया। फिल्म जस्टिस के लिए असिस्टेंट थे मन्ना डे साहब, तो केसी डे साहब ने मन्ना दा को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो इस कीर्तन के लिए रफ़ी साहब को बुला के ले आए। ट्यून रेडी थी और केसी डे रफ़ी साहब से कीर्तन गवाना चाहते थे। मन्ना दा को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगे कि मैं बंगाली हूँ, कीर्तन भजन अच्छी तरह जानता हूँ, तो फिर ये कीर्तन मैं क्यों नहीं गा सकता। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने चचा केसी डे साहब से किया। केसी डे बोले कि मन्ना, तुम ये कीर्तन नहीं गा सकते, ये सिर्फ रफी साहब ही गा सकते हैं। मन्ना दा दुखी हो गए, लेकिन चाचा का हुक्म था कि रिहर्सल रूम में रफी साहब को बुला लाएं, तो मन्ना दा रफी साहब को बुलाने गए। इस कीर्तन को और इसकी ट्यून को रिहर्सल रूम में मन्ना डे साहब ने ही सिखाया रफी साहब को। आरसी बोराल भी रिहर्सल और रिकॉर्डिंग में मौजूद थे और उनकी अपनी राय थी। उन्हें लगा कि रफी साहब पंजाबी मुस्लिम है, क्या वो इस बंगाली कीर्तन के साथ इंसाफ कर सकेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर रफी साहब कसौटी पर खड़े नहीं उतरे तो वो बंगाल के सिंगर धनंजय भट्टाचार्य से ये कीर्तन गवा लेंगे। एक दो रिहर्सल के बाद रफी साहब ने इल्तिजा की कि उन्हें कुछ मिनट का वक्त मिले ताकि वो जुमे की नमाज अदा कर सके। रफी साहब रूम के कोने में गए और अपनी नमाज पढ़ी और फिर वो फाइनल टेक के लिए रेडी थे। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो मन्ना डे साहब को एहसास हुआ कि जितना अच्छा इस कीर्तन को रफी साहब ने गाया है, शायद वो खुद इतना अच्छा नहीं गा पाते। रफी साहब की गायकी से रिकॉर्डिंग में हर शख्स दंग था। रफी साहब के इंतकाल के दिन ये जानकारी कंफर्म की थी आरसी बोराल साहब ने, जब उन्हें ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता इनवाइट किया गया था। तो साहेबान, ये था रफी साहब का पहला बंगाली कीर्तन। इत्तेफाक देखिए कि 31 जुलाई 1980 को रफी विला पर म्यूजिक डायरेक्टर श्यामल मित्रा ने रफी साहब से आखिरी रिहर्सल करवाई थी एक बंगाली भजन के लिए, मगर अफसोस कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सका।